क्या आप जानते हैं एक गुलाब जल हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है? नहीं ना, तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको गुलाब जल को यूज करने के 3 ऐसे तरीके जिनसे आपके फेस की सारी स्किन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। दाग धब्बे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं या रिंकल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फेस की सारी प्रॉब्लम्स स्किन की ख़त्म हो जाएंगी। केवल आपको सही तरीके से यूज करना है, वो मैं आज बताने वाली हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का समय है और इसलिए मैं गुड इवनिंग बोल रही हूँ। तो आज मैं गुलाब जल के आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगी यूज करने के जिससे आप अपनी फेस की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, गुलाब जल एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है कि जिससे हमारे फेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। वहीं गुलाब जल को हम किसी दूसरे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेते हैं तो जो हमारे जो बेनिफिट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम गुलाब जल के आपको 3 तरीके यूज करने के ऐसे बताएंगे जिनसे आपके फेस के दाग धब्बे, आपके फेस के रिंकल, आपके फेस की झुर्रियाँ, आपके फेस की झाइयाँ, आपके फेस के पिम्पल्स, आपके फेस पे सनबर्न, सनटैन, कुछ भी प्रॉब्लम है सारी खत्म होने वाली है। गुलाब जल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, गुलाब जल एक बहुत अच्छा क्लींजर भी है, गुलाब जल एक बहुत अच्छा टोनर भी है, गुलाब जल पीच लेवल को भी बैलेंस करता है। तो चलिए पहला यूज देख लेते हैं। तो पहले यूज में मुझे लेना है, ये मैंने लिया है दूध, आपको कच्चा दूध लेना है। ओके, कच्चा दूध लेना है और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स करना है। तो दूध की मात्रा भी हमारी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 चम्मच गुलाब जल के लिए। ठीक है, अब इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें लेना है कॉटन। उस कॉटन की सहायता से हमें अपने पूरे फेस पे इसको यूज करना है, रात को हमें यूज करना है। कच्चा दूध जो होता है इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे दाग धब्बों को मिटाता है, ये बहुत अच्छा क्लींजर का भी काम करता है और ये हमारी स्किन टोन को भी बढ़ाता है। डेली आप इसको रात को यूज करेंगे तो आपका जो चेहरा है एकदम निखर जाएगा और आपके फेस के जो भी दाग धब्बे होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से लगा लेना है और फिर हाथों से आप मसाज भी दे सकते हो, कॉटन से तो सिर्फ लगाना ही है। उसके बाद आप इसको मसाज दे सकते हो, 5 मिनट मसाज देके और इसको 2 घंटे के लिए लगा छोड़ दीजिए। अगर ओवरनाइट रख सकते हो तो ओवरनाइट रखिए, नहीं रख सकते हो तो आप 2 घंटे के लिए इसको लगा छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपके स्किन का जो ग्लो होगा एक अलग ही लेवल का होगा और आपके स्किन की झुर्रियां जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। आपकी एज जो है ना, आप अगर 50 के हैं तो आप 30 के दिखेंगे। तो 5 मिनट आपको मसाज देनी है और चलिए ये हो गया हमारा पहला तरीका। चलिए तो मैं इसको लगा छोड़ देती हूँ और दूसरा तरीका मैं हाथों पे बताने वाली हूँ। आप दूसरी तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 5-6 बूंद नींबू के रस के। ओके ओके, और हाँ, जो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपको तीनों एक साथ में यूज करना है। हो सकता है किसी का कमेंट आ जाए कि तीनों कर ले क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको जो सूट करे वो आपको अपनी रूटीन में शामिल करना है। ऐसा नहीं होता है कि मैं जो बता रही हूँ वो सारे आपको यूज करने हैं। तो अब लेना है हमें 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच गुलाब जल हो गया, 1/2 चम्मच हम नारियल ऑयल लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। कॉटन की सहायता से पूरे फेस पे लगाना है और फिर हमें मसाज करनी है। ठीक है, तो मैं आपको हाथ पे लगा के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट वाला जो हमारा तरीका था वो हमने फेस पे यूज़ किया है, तो हम एक साथ सारे तरीके फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके,
कुछ ही दिनों में आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। कितना चेंज है देखिए, आप हाथों में देखिए कितना चेंज है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया ये। तो नींबू में दाग धब्बों को मिटाने की क्षमता होती है, और जो नारियल ऑयल होता है वो हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन के जो रिंकल होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है, और गुलाब जल और जब नारियल ऑयल दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारी जो स्किन है उस पर बहुत ही गजब का निखार आता है। गुलाब जल हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं उनको सिंक करने का काम करता है, जिससे हमारी स्किन में ज़बरदस्त कशाव आता है। तो तीसरे तरीके में ये लिया है हमने दही, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी केवल लेना है, ठीक है। और इसमें हमें आधा चम्मच लेना है गुलाब जल, तो आधा चम्मच हमने ले लिया गुलाब जल। तीनों को मिक्स करेंगे, तो आप अगर रात में लगाते हैं तो आपके फेस के दाग धब्बे ख़त्म होंगे, और जो हल्दी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, जिससे आपके जो पिंपल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, क्या होता है कि आप पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो आप उन पे ना हाथ लगाते रहते हो, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हाथ लगाने वाली, तो वो और बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप कहीं भी हाथ रखते हो तो ढेर सारे जम्स आपके हाथ में आ जाते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है, और आपका हाथ जो है ना जितना ही फेस पे लगता है उतने ही आपके फेस पे और ज़्यादा पिंपल्स बढ़ते हैं। तो हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनकी जो गंदगी होती है उनको बाहर करती है, और धीरे धीरे हमारे जो पिंपल्स होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। और दही, दही हमारे स्किन के दाग धब्बों को ख़त्म करता है। तो हमें इसी तरीके से कॉटन बॉल की सहायता से लेना है, और हमें जैसे हमने अभी दो तरीके यूज़ किए उसी तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। और ये आपको ये तीनों ही प्रोसेस जो हैं, मैं नाइट के लिए ही बता रही हूँ, रात के लिए ही बता रही हूँ, आपको ये तीनों प्रोसेस रात को ही करना है। आपको इनमें से चूज करना है कि आपको कौन सा करना है, ऐसा नहीं है कि तीनों आपको करना है। तो देखिए, ये थे आज के हमारे तीन तरीके गुलाब जल को यूज़ करने के। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगे। इनमें से जो तरीका आपको इजी लगे, जो तरीका आपको सूट करे, वो तरीका आप अपने रूटीन में शामिल करिए, और आप अपनी स्किन को जवां बनाइए, आप अपनी स्किन को निखारिए, आप अपनी स्किन को दाग धब्बे रहित बनाइए, और आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं एक ही हाथ को गोरा किए जा रही हूँ, एक हाथ को बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो मैं दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा गोरा कर लूँ। और आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे ना एनर्जी मिलती है, बूस्टअप मिलता है, और मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और जिससे आप सबको फ़ायदा हो। और हाँ, मैं आपके साथ में वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ की होती है और मुझे अच्छी लगती है, उसका रिजल्ट जो है मुझे मिलता है, तभी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनों का ध्यान रखिएगा और अपनी स्किन का ध्यान रखिएगा।